बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम किचन में बना रहे हैं पालक मेथी। तो पालक मेथी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले पालक है 1 किलो, इसको काट लिया और अच्छी तरह से धो लिया है। मेथी ली है 1 पाव और इसको भी काट के अच्छी तरह से धो लिया है। 3 अदर टमाटर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। 2 अदर प्याज लिए हैं, इनको भी रफ कटिंग कर लिया है जूलियन में। और ऑयल लिया है 1/2 कप। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। हरा धनिया हसबे ज़रूरत। साबुत लाल मिर्च ली है गोल वाली 5 अदद। खुश्क मसालों की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें शामिल है हल्दी 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो आइए सालन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने पतीली में 1/2 कप ऑयल डाल दिया और ये गरम हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना इसको। चलें जी, प्याज को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे गोल वाली मिर्च। अब शामिल करेंगे टमाटर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सारे खुश्क मसाले। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे कि टमाटर गल जाए। चलें जी, टमाटर गल गए हैं। अब आंच तेज करेंगे और इनको भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे, टमाटर सारे मैश हो जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। मसाला भून चुका है और इसमें हम आधी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगी मेथी। मेथी डालने के बाद इसको 5 मिनट तक हम भूनेंगे। चलें जी, मेथी भून गई है। अब बारी आती है पालक की, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पालक थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, जैसे ही पालक बैठेगी थोड़ी सी अपना पानी छोड़ेगी, हम और पालक इसमें ऐड कर देंगे। पालक में आपने पानी ऐड नहीं करना, जैसे ही आप पालक डालेंगे फ़ौरन से ये पानी छोड़ देगी और नीचे भी जाती जाएगी।
नरम हो जाएगी और बैठती जाएगी। इस तरह से हमने सारी पालक इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। पालक ने पानी छोड़ दिया और एक टोटका है कि मेथी को ढककर नहीं पकाया जाता, और अगर मेथी को ढककर पकाया जाए तो वो कड़वी हो जाती है। इसी तरह अब मैं इसकी आंच जो है दरमियानी कर दूंगी कि हल्का हल्का सा ये पालक और मेथी पकती रहे, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से फुल बंद नहीं करना, चम्मच अंदर ही रहेगा। और अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि पालक गल जाए, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। चलें जी, पालक गल गई है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब ढक्कन खोल देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। मेथी और पालक की सब्ज़ी तैयार हो गई है भुन के अच्छे से, और इसने ऑयल भी छोड़ दिया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। गर्मा गर्म और मज़ेदार पालक मेथी की सब्जी तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी एक चम्मच देसी घी इस तरह से, ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। और देसी घी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, मैंने बनाना सिखाया है आप लोगों को। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल किचन विचन को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।